प्रदेश के चिकित्सा स्वास्थ्य शिक्षा एवं सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने नैनीताल में नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के उद्देश्य से धामी सरकार ने प्रदेश में नर्सिंग अधिकारियों की नियुक्ति की है। इसी क्रम में नैनीताल जिले के 93 नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। बता दें कि जिसमें सूबे के चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा कदम बताया। उन्होंने कहा कि 500 डॉक्टरों की मार्च में नियुक्ति होने जा रही है। अब पहाड़ों में डॉक्टरों की कमी नहीं होगी और इसके लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। नैनीताल से तेज सिंह की रिपोर्ट। 3000 नर्सिंग अधिकारियों को हम आज का नियुक्ति पत्र दे रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में लगभग 1400 को दे रहे हैं। पहले हमने 225 नर्सिंग अधिकारियों को मुख्यमंत्री आवास में दिया था, आज का नाम हर जिले में जाके दे रहे हैं। ये पहला मौका है उत्तराखंड बनने के बाद कि 14 साल बाद इतनी बड़ी हम तादाद में नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्तियाँ दे रहे हैं। और आज नैनीताल ज़िले में भी हम जितने हमारे खलकांडा हो, चाहे धारी हो, चाहे नैनीताल हो, जितने दूरस्थ क्षेत्र हैं, यहाँ 100% नर्सिंग अधिकारियों का नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। और वर्षवार हमने नियुक्तियाँ की हैं, बैकलॉग पूरा किया है और हर प्रकार के जो कोटे थे वो भी पूरे हो गए हैं। लगभग 11000 नौकरी हम इस सत्र में स्वास्थ्य विभाग में देना चाह रहे हैं। इसमें 1000 पद हमारे मेडिकल कॉलेज पिथौरागढ़ के भी हैं और 1000 पद हमारे मेडिकल कॉलेज हरिद्वार के भी हैं। लगभग 2500 हम वार्ड वाइज की भी नियुक्तियाँ करने जा रहे हैं।